रूस ने यूक्रेन पर करीब 7 रोज पहले हमला किया था और जिस रोज रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसी रोज मैंने और कामरान बुखारी साहब ने एक तजिया किया जो आपने सुना पिछले हफ्ते। आज मैं कामरान बुखारी साहब से ये जानना चाहूंगा कि एक हफ्ते के बाद रूस के इस हमले के असरात दुनिया पर कैसे मुरतब हो रहे हैं। मेरे साथ वाशिंगटन से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जनाब कामरान बुखारी साहब। कामरान बुखारी साहब, ये बताइए कि एक हफ्ते के बाद आप सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया ताहिर साहब। देखें, ये तो एक मूविंग टारगेट है, इसके ऊपर तो मैं जो अब बात कहूंगा वो जब तक ये प्रोग्राम आपका यूट्यूब पे लॉन्च होगा तो हालात तब्दील हो चुके होंगे। तो कोशिश मैं ये करूंगा कि वो बात करूं जो देरीना है, तो ताकि इस मोमेंट में ना रहूं। तो उसके लिए जो है हमारे कारोबार में इंटेलिजेंस एनालिसिस, जियोपॉलिटिकल इंटेलिजेंस एनालिसिस के कारोबार में हमें कहते हैं एल्टीट्यूड रेज करना, कि जो हम हायर लेवल पे 30,000 फुट लेवल व्यू लेने की जरूरत है, क्योंकि वहां जो तब्दीलियां नजर आती है ना वो इतनी तेजी से नहीं बदलती हालात, लेकिन जो ही आप एल्टीट्यूड ड्रॉप करते हैं तो टैक्टिकली हालात तब्दील हो जाते हैं। ये शहर जो है उस पर कब्जा हो जाता है, वहां पे जो है कुछ और नुकसान हो जाता है, लेकिन जो मजमुई पिक्चर है उसके लिए आपको एल्टीट्यूड रेज करने की जरूरत है। तो आपके सवाल का इब्तदाई जवाब मैं ऐसे दूंगा कि देखें, इस वक्त एक तो ये है कि जो असल में बैटल स्पेस पे हो रहा है वो जानना बड़ा मुश्किल हुआ है। उसकी वजह पहले मैं आपके पिछले शोज में भी कह चुका हूं कि एक तो जो है वो बहुत ज्यादा जो है वॉल्यूम है इंफॉर्मेशन की, और वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी और कंफ्लिक्टिंग है, और ये रियल टाइम में हो रहा है, इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो एक्चुअली समझना कि क्या हो रहा है वो बड़ा मुश्किल है। फिर इसके ऊपर बायसेस हैं कि हम जो है बहुत सारे तजिया नगार, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, मुबस्सरीन जो हैं, वो जो कुछ हो रहा है उसमें जो कुछ होना चाहिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मिलाप हो जाता है, वो कन्फ्लेट हो जाता है, कि वो जो तमीज है बिटवीन के हो क्या रहा है और क्या होना चाहिए उसके दरमियान जो है वो तमीज नहीं रहती, तो आपको स्क्यूड इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जाहिर है जो है पूरी दुनिया के अंदर मजमुई तौर पे बैन अलाक्वामी सतह के ऊपर रूस की इस कार्रवाई को नापसंदीदगी की निगाह से देखा जा रहा है। बेशक जो है बहुत सारे मुल्कों ने एब्सटेन किया है या खुलकर जो है रूस की मुखालफत नहीं की, वो उससे कता नजर हकीकत यह है कि बेशतर दुनिया इसको मनफी तौर पर देख रही है, यहां तक कि चीन भी से भी आपको इशारे मिल रहे हैं कि वो भी खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये इससे कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी जो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है उसको कोई नुकसान हो जाए। जहां पे वो, मैं आपके शो में पहले भी कह चुका हूं कि चीन जो है चाहता है कि अगर इससे जो है, वो कहते हैं ना कि इफ यू गिव अमेरिका एंड द वेस्ट अ ब्लडी नोज, ये चीन इसके फायदे में है। लेकिन जहां ये रियलिटी है, चीन को ये भी पता है कि मगरिब और अमेरिका इतना मजबूत है कि उसका नुकसान इतना नहीं होगा, लेकिन इससे डिसरप्शन आलमी इकोनॉमी में इतनी हो जाएगी, खास तौर पे जो सैंक्शंस हैं उसकी वजह से, कि फिर कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। और ये बड़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है जिसको अभी हमें पूरी तरीके से समझने की जरूरत है, इसके क्या क्या असरात होंगे वो अभी हमारे सामने आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जानना कि हो क्या रहा है बड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन जो चीज इन तमाम कंस्ट्रेंट्स और इनकम्बरेंसेस के बावजूद जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि एक तरफ सैंक्शंस लग रहे हैं और वो जाहिर है वो अपना असर दिखाने में वक्त लेंगे, दूसरी जानब जो सदर पुतिन की इंतजामिया है, हुकूमत है, वो चाहती है कि इससे पहले कि वो जो सैंक्शंस हैं वो अपनी जो है जादू दिखाएं और जो रूस के लिए तकलीफ बढ़ जाए, उसके जो ऑप्शंस हैं वो नैरो हो जाएं, उससे पहले पहले जितने बैटल स्पेस गेन्स वो कर सकते हैं वो करें। अब यहां पे एक मसला है कि रूस, ये एक मल्टी डिविजनल, ये जंग छोटे पैमाने की नहीं है, ठीक है, ये मल्टी डिविजनल जो है कैंपेन है, और लास्ट टाइम इस तरह की मल्टी डिविजनल कैंपेन जो रूस ने की थी वो वर्ल्ड वॉर 2 में की थी नाट्सी जर्मनी के खिलाफ, और उस वक्त नाट्सी जर्मनी घुस आया था यूक्रेन और जो रूस के इलाकों में भी घुस आया था, अगर लोगों को तारीख याद हो,
उस वक्त ही हुई थी। जंगी मशकें करना, जंग हथियार हासिल करना, रोजमर्रा ट्रेनिंग करना, और दस्ते जो है मतलब वो क्या नाम है उनकी तायनाती, वो काइनेटिक बैटल स्पेस से हटके है। उसका सिर्फ मतलब ये है कि आपके पास इन पोटेंशियल कैपेबिलिटीज हैं। वो बैटल स्पेस में परफॉर्मेंस जो है वो और चीज का नाम है। अब जितनी बड़ी आपकी जितने ज्यादा आपकी फौज होगी उतने ज्यादा आपको लॉजिस्टिकल ऑपरेशन करने की जरूरत है, जिसको क्लॉकवर्क के तहत चलना है अगर आपने अपने जंगी अहदाफ को हासिल करना है। आपके पास फ्यूल होना बड़ा जरूरी है, उस फ्यूल सप्लाई में डिसरप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी गाड़ियां जो हैं उनकी मेंटेनेंस जो है, जो आपकी बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, दीगर जो आपके मूवेबल जो है वो हार्डवेयर है, वो उसको सही कंडीशन में होना चाहिए। और फिर जब आप जंग में इस्तेमाल करते हैं उनकी मेंटेनेंस होनी जरूरी है। फिर जो लोग जंग लड़ रहे हैं उनको जो है खाना फराहम करना है, ठीक है, उनके आराम का भी तो करना है, उनको नींद भी तो चाहिए। एक हद तक ही आप पुश कर सकते हैं कि हाँ भाई अपने सोल्जर्स को, तो आपको वो भी इंतजाम करना है। और जब आप बड़े पैमाने पे, यानी अगर आप जुग्राफिया ले लें यूक्रेन का, बेलारूस से भी आप अंदर आ रहे हैं, आप क्राइमिया से भी आ रहे हैं, आप डोनबास के इलाके से भी आ रहे हैं जो आपके कब्जे में है, और आप मल्टीपल शहरों पे जो है टेंस ऑफ थाउजेंड्स के जो है दस्ते जो है भेज रहे हैं, यानी मल्टी डिविजनल फोर्स जो है, ये उस तरह नहीं चलती जिस तरह के थ्योरी में आप चलाना चाहते हैं। इसमें सेटबैक्स होते हैं, अनएक्सपेक्टेड रियलिटी सामने आ जाती हैं। तो जब आपको आपने जंग ना की हो, ठीक है, देखिए जो अभी तक जो जंगें अगर माजी करीब में जो रूस ने की हैं, हम उनका जरा जायजा ले लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी जंग हमें नजर आती है वो सीरिया की है। सीरिया के अंदर कोई जमीनी फोर्सेस नहीं इस्तेमाल हुई रूस की, वो ज्यादातर सीरियन आर्मी की थी, उनकी मलिशियाज की थी, और ईरान ने जो शिया मलिशिया ग्रुप्स मोबालाइज किए थे जिनकी तादाद तकरीबन लाख के करीब बताई जाती है, वो उन पे इनसार था। एयरफोर्स प्रोवाइड कर रहा था, वो भी को समझते हैं कि तकरीबन कोई जो है ना 15 से 20 25 जहाजों से ज्यादा जो है ना तैनात नहीं थे, कुछ मिसल स्ट्राइक्स थी वक्तन फवक्तन करते थे। हाँ वो जो मिलिट्री पुलिस के जो दस्ते थे वो चेचनिया से आए थे, वो जो चेचन हुकूमत है रमजान कादरोव की, उन्होंने जो है ना फराहम किए थे। तो उसमें जो इतनी बड़े पैमाने पे स्केल पे कार्रवाई नहीं हुई थी, ठीक है। फिर जियोग्राफी बहुत छोटी थी। फिर अमेरिका की जानिब से, मुखालिफ जानिब से, आपके पास आप फेस कर रहे थे रेबल ग्रुप्स को जिनकी ना ट्रेनिंग थी ना उनके पास हथियार थे। अमेरिका उस जंग में शामिल नहीं होना चाह रहा था, मगरब की तरफ से कोई कुछ पनाह नहीं। और तुर्की भी लेट आया है, तुर्की शुरू में नहीं आया। तो आपके सामने मैदान जंग वो खाली था, और आपने जो कुछ पेशरफ की, असद हुकूमत को बचा लिया, वेस्टर्न हाफ ऑफ द कंट्री बचा लिया, और फिर आप ईस्ट की जानेब भी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो वो एक जंग है। दूसरी जंग जो थी वो चेचन जंग थी। चेचन जंग जो थी वो कन्वेंशनल नहीं थी, मल्टी डिविजनल जंग नहीं थी, वो गुरिला इंसर्जेंसी को पुट डाउन करने के लिए। पहले जो है एयर अपना पावर पे जोर था, और फिर जब वो जो रियासत थी, जो नव मौलूद रियासत थी चेचनिया की, जिसने आजादी डिक्लेयर की थी 1990 की दिहाई के शुरू में, वो जब गिर गई तो बहुत सारे ग्रुप जिनमें से कुछ लोग जिहादी बन गए, कुछ लोग जो है अलकायदा भी पहुंच गई, और ये जितने ग्रुप्स थे चेचन के, और वो इलाका भी बहुत बड़ा था और पहाड़ी इलाका था, और उसमें भी जो है वो ये मल्टी डिविजनल जो कन्वेंशनल जंग जिसको आप कहते हैं, जहां पे आप जमीन पे कब्जा करते हैं बैठ के, वो नहीं था। और उससे पहले जो जंग थी वो थी अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान में भी उनके पास एक रियासत थी जो जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, यानी जो उस वक्त की कम्युनिस्ट रेजिम थी, उसके दस्ते थे, और वहां पे भी इंसर्जेंसी थी। लेकिन वहां एक चीज थी कि वो एक ऐसा एग्जाम्पल था, उसकी मुमासलत की जा सकती है आज की यूक्रेन के साथ, कि वहां पे अमरीका और जो है आलमी बरादरी ने उस वक्त मिलकर बहुत जबरदस्त मुजाहमत के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, इंटेलिजेंस, पैसा, असला और ट्रेनिंग, और ये सारी चीजें फराहम की थी, और जिसका खमियाजा जो है हम जिहादिज्म और इस्लामिज्म की सूरत में आज तक भुगत रहे हैं, वो हम जो है वो जंगी और थी। तो अभी उस तरीके से मगरिब ने
यूक्रेन में छलांग नहीं मारी है जिस पैमाने पे वहां थी। तो इस वजह से जो है आपको थोड़ी सी बढ़तरी नजर आती है बैटल स्पेस में रशिया की यहाँ पे। तो ये अभी देखना बाकी है कि हाँ भाई रूस किस हद तक आगे जा सकता है, और फिर जाहिर है उसको भी पता है कि हम पूरे मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकते, इसलिए बातचीत भी चल रही है साइड बाय साइड, और एक दूसरे को वहां जब कॉन्वर्सेशन होती है तो दोनों फरीकैन यूक्रेनियन जो है ना रिप्रेजेंटेटिव और रशियन रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे को ये पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसका सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है और ब्लिंक कौन करेगा पहले। देखिए कामरान भाई साहब, लास्ट वीक जब आप और मैं बात कर रहे थे और उससे एक रोज़ पहले जंग का आगाज़ हुआ था, और हमें शक सा पड़ रहा था कि शायद 48 घंटों में रूस कीव पर कब्ज़ा कर ले। ये एक शक सिर्फ हमें नहीं था, और भी ताकतों को था। खुद अमेरिका जैसे एक तरह से सिग्नल दे रहा था कि जी शायद कब्ज़ा हो जाए, लेकिन फिर हमने देखा कि यूक्रेनियन फोर्सेस भी डिटरमिन्ड होकर लड़ी, शहरी भी उनके साथ शामिल हुए, रूस की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ी। तो आप क्या समझते हैं कि रूस इस तरह की मज़ाहमत इनफैक्ट एक्सपेक्ट नहीं करता था और उसको ये मज़ाहमत मिली? नहीं मैं नहीं समझता। मैं देखें जो रूस एक जो है मैं नहीं समझता कि रूस एक जो है वो बड़ी ताकत है, यानी एक एक पूरी तरह से एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज नेशन है। रशिया एक डेवलपिंग मुल्क है, खास तौर पे इवन सोवियत यूनियन के बारे में भी जो है, अगर आप जो लोग सोवियत यूनियन और आपका तो जाना वाना था उस जमाने में, तो आपने देखा होगा कि उसकी मासलत नहीं थी मगरब के साथ। जो मगरब में तरक्की थी, जो लोगों की इंसान जो है ना डेली लाइफ में उनको जो मराहत हासिल थी, जो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो नहीं थी। लेकिन रूस में एक चीज है जो सोवियत जमाने में भी थी, जारिस जमाने में भी थी, और अब ये पुटिन रेजिम की, कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनकी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं वो जो है हाई कैलिबर की हैं, यानी वो किसी पलड़े की हैं। जाहिर है मगरब के साथ वो शायद उस तरीके से 1-to-1 पैरिटी तो नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी में, ना ही जो है वो ट्रेड क्राफ्ट में, ना ही हार्डवेयर में, लेकिन अगर कोई दूसरे नंबर पे कोई जो है कोई मिलिट्री कुव्वत है दुनिया की तो वो रूस है। ऐसा मुल्क इस किस्म की गलतियां नहीं करता कि वो ये इसके के चलो जो है ना डाइस रोल कर दें, फौजें चला दें, फिर बाद में देखेंगे क्या होगा। मैं समझता हूं कि इनको पता था कि इनको मुजाहमत का सामना होना है, इनके लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन वो ये देखना चाह रहे हैं कि वो किस हद तक पुश कर सकते हैं। गौर रहे कि करें कि ये सब लोग जो है ये जो रूस है ये अब उस तरीके से एयर पावर को अनलीश नहीं कर रहा है, ठीक है, और ये बात अब ओपन सोर्सेज में आम की जा रही है, यानी अभी रॉयटर्स में और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये खबरें छप रही हैं और लोगों के जो है ना बयान आ रहे हैं जो जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं। मैं एक मिलिट्री एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इनसे बहुत ज्यादा फायर पावर की तवक्को कर रहे थे, यानी एयर पावर ही ले लो, मिसाइल्स ले लो, परफॉर्मेंस इससे बेहतर हम तवक्को कर रहे थे। तो क्या वजह है कि ये नहीं हो रहा? कुछ तो वजह ये है कि जैसे मैंने पहले बयान किया कि जंग की तैयारी करना और बात है, जंग में परफॉर्म करना और बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी अहम चीज जिसकी तरफ मैं जो है तवज्जो दिलाना चाहूंगा वो ये है कि रूस को भी पता है कि अगर यूक्रेनियन कैजुअलिटीज बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएं, अगर वो अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर दें, अंधाधुन गोला बारूद और जो है एयर स्ट्राइक्स करना शुरू हो जाएं, कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगी, वो नहीं चाहते, जो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वो भी जिसे कहते हैं ना पंचेस को पुल कर रहे हैं, वो उस तरीके से जो है खुलकर नहीं खेल पा रहे जिस तरीके से वो शायद चाहते हैं, और ये बात उनको पता है। इसी वजह से बड़े स्किलफुली जो है वो कुछ इलाका जात के ऊपर, और हम उसकी डिटेल में जा सकते हैं अगर आप जो है उसको डिस्कस करना चाहें कि वो क्या, वो जो बैटल स्पेस की जोग्राफिया है वो क्या हासिल करना चाह रहा है, यानी कि जब सब चीजें सेटल हो जाएं, यानी मिलिट्री कैंपेन भी खत्म हो जाए, बातचीत हो रही हो और आखिर में सौदेबाजी हो, तो क्या चीज वो कभी गिव अप नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो वो मैं समझता हूं कि उसके उस हदफ की तरफ है। हाँ जरूरी है कि आप ये दिखाएं, एक होता है ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो यहाँ यही हो रहा है कि वो फ्लड कर रहे हैं, जैसे कि जो है उनके खिलाफ मगरिब की जानिब से फ्लडिंग हो रही है इन्फो ऑप्स की, उनकी तरफ से भी इन्फो ऑप्स आ रही है। कभी वो कहते हैं जी हम मोल्डोवा में घुस जाएंगे, कभी वो कहते हैं ये जो है कहते हैं कि हम जो है पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेंगे, कभी वो कहते हैं कि हम यहाँ नई हुकूमत बना देंगे,
कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन वो दूसरी साइड को ऑफ बैलेंस करने के काम आती है। असल में जो वो कर सकते हैं उनको भी पता है कि लिमिटेशंस हैं उनके पास। जी, तो अमेरिका का ये दावा है कि हमने 7 दिनों के अंदर अंदर ही रूस को आइसोलेट कर दिया है। आपको इस दावे में कितनी हकीकत नजर आती है? जी देखें, इसमें कुछ तो हकीकत है। वो हकीकत ये है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो ये खड़ा होके कहे, मां सिवा नॉर्थ कोरिया के या ईरान के, या जो वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बदनाम जमाना जो असद हुकूमत है सीरिया की, इस तरह के जो एक्टर्स के अलावा कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि वो ये कहे कि जी जो है वो सदर पुतिन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां तक के जो पाकिस्तान के जो वजीर आजम थे जो वहां पहुंचे हुए थे उस दिन जिस दिन जंग शुरू हुई है, उसी दिन मुलाकात हो रही थी, उन्होंने भी वो भीगी बिल्ली जो है ना वाला जो है ना रूप इख्तियार किया कि अच्छा यार मतलब जो है पीस होना चाहिए और ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, उस तरह के बयान आप उनकी जानिब से भी आए हैं। कहने का मकसद ये है कि कोई भी ये नहीं कहना चाहता। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सदर पुतिन आइसोलेट जरूर हुए हैं। आइसोलेट होना एक अलग बात है और इस बात पे कंपेल हो जाना कि अब आप जंग नहीं कर सकते, वो एक और लेवल है। वो लेवल पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं, ना ही अस्करी तौर पे और ना ही जना सैंक्शंस के जना हिसाब से। अब विंडो कितनी है उनके पास ये जानना बड़ा मुश्किल है, इसका तखमीना लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बड़े वेरिएबल्स हैं। ठीक है कि आपका कितना पैसा है, ठीक है हमें खबरें आ रही हैं रूबल जो है वो गिर रहा है और वहां बैंक रन हो रहा है, अपना एंड रन हो रहे हैं बैंक के ऊपर कि हाँ भाई जो है वहां पे लोग जो है वो कैश निकलवाने के चक्करों में है, तो वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन यही बात याद रहे कि जेब में अगर पैसा होता है आपके पास कोई गुंजाइश होती है तो ही आप लड़ते रहते हैं, जब आपके पास गुंजाइश नहीं होती आप लड़ नहीं सकते। उसके बाद वही लड़ता है कि जो जियोपॉलिटिकल खुदकुशी करना चाहता है। और मैं नहीं समझता कि सदर पुतिन जो है उनका दिमाग खराब हो गया, या जो है वो जो है जज्बाती वो बंदा जरूर हो सकता है, मजबूर जरूर हो सकता है कि अपने पूरी करियर को इंसान दबदबाव पे जरूर लगा देता है, लेकिन जिसको कहते हैं ना एंड पे जो मैडनेस का एक मेथड होता है, और मैं नहीं समझता कि वो बिल्कुल मेथड से आ रही हुए हैं। उनकी कोई ना कोई स्ट्रेटजी है, और जो मेरी समझ में आई है स्ट्रेटजी वो यही है कि वो इस वक्त वक्त उनके साथ नहीं है, टाइम इज नॉट ऑन हिज साइड, तो वो जितनी जल्दी जो है वो जितना ज्यादा पेशरफ्त कर सकते हैं मैदान जंग में वो करेंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आसान नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप खुलकर खेल नहीं सकते क्योंकि आप कैजुअलिटीज बढ़ जाएंगी, वो आपके खिलाफ जाता है। दूसरी तरफ जो है आप जंग आप एक हद तक ही इलाके अपने कब्जे में ले सकते हैं क्योंकि आपके पास वो फौज ही नहीं है कि जो ऑर्डर जो ना अपना इंस्टॉल करे। जैसे कल वो खबर आई कि खेरसौन का जो शहर है उस पर कब्जा हो गया, उनके मेयर ने कहा कि हाँ भाई यहाँ पे जो हाईएस्ट रैंकिंग जो जर्नैल है जो इस इलाके में रूसी, वो एक मिलिट्री इंतजामिया की तश्कील देगा देगा या दे रहा है ये क्लियर नहीं था। तो इमेजिन करें कि आपको यूक्रेन पूरे पे इस किस्म का एक नया निजाम लगाना पड़े और आप पे सैंक्शंस लगे, में पैसा खर्च करता होता है ना इससे, कहां से पैसा लाएंगे? तो अब जो है और कहां से नफरी आएगी, ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल अंडरटेकिंग है, ये छोटा मोटा नहीं है। तो ये बड़ी जरूरत है कि इन चीजों को समझना कि आपकी आप कर क्या सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कामरान साहब, इस वक्त जो मगरबी मीडिया बता रहा है मगरबी पॉलिटिशियंस की ईमा पर कि जी रूस को अब बहुत भुगतना पड़ेगा, सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा कि ये एग्रेशन पुतिन ने शुरू किया है, इसके जो नताइज हैं वो अवाम पर भी यानी रूसी अवाम पर भी आएंगे। तो आपको लगता है कि ये बहुत लंबा गेम है, रूसी इन द लॉन्ग रन बहुत पिसेंगे और सैंक्शंस की वजह से बिल्कुल रूस ऐसी अलग थलग हो जाएगा जैसे हम नॉर्थ कोरिया को देखते हैं फॉर इंस्टेंस? इस बात के कितने इम्कानात नजर आते हैं आपको? जी देखिए, मेरे पास इसका इंटेलिजेंस तो नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि
बाइडन इंतजामिया और उसके जो एलायज और पार्टनर नेशंस हैं वो इसको हदफ बनाए बैठे, इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं। लेकिन अगर मुझे तज्जिया करना पड़े तो मैं समझता हूं कि सदर पुतिन ने जो मूव किया है उसने एक मौका दे दिया है मगरिब को कि वो रूस को मजीद कमजोर करे। उसमें नुकसान जरूर होगा, बेशुमार यूक्रेनियन मासूम जाने जाएंगे और तबाही होगी, लेकिन जंग शुरू हो चुकी है, जंग को रोकना मकसूद है। लेकिन जंग को रोकने में जहां मगरब एक किरदार अदा कर सकता है, आखिर में फैसला सदर पुतिन का होगा। तो मगरब ये चाहेगा कि अब ये मौका मिला हुआ है जिसमें इस रेजिम को वीक किया जाए, कि इस जब सब कुछ कह दिया जाए, सुन लिया जाए, व्हेन एवरीथिंग इज सेड एंड डन, तो जो सदर पुतिन की रेजिम है वो वीक हो जाए और इतना दबाव डाला जाए कि इस यहां एक तरह से अंदर से रेजिम चेंज की आवाजें मजीद मुस्तहकम हों और मजबूत हों, जहां पे आज जो सदर पुतिन के साथ लोग हैं वो कहें कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये एक इसने 20-22 साल गुजार लिए, बड़ा अच्छा हमने वक्त गुजारा, इसने हमें यहां तक लेके आया, अब आगे ले जाने की सख्त इसमें नहीं है, बल्कि अब ये गलती कर रहा है तो इसको अब रिटायर करने का दिन आ गया है, तो इसको जरा हम कहें कि जी थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने बहुत कुछ किया, अब आप ऐसा करें कि आप रिटायर हो जाएं। तो वो हालात भी मगरिब चाहेगा कि हो, क्या ऐसा होगा हमें नहीं पता, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अगर मैं कम से कम सदर बाइडेन की जगह पे हूं तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि ये जो मौका मिला है इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हम ये नहीं चाहते कि रूस जो है यानी बहसियत एक वेस्टर्नर के, बहसियत एक अमरीकी एक कनेडियन के, मैं नहीं चाहूंगा कि अच्छा यार आपने जंग की, चले हमने आपको माफ कर दिया, अब बस आप अपनी फौजें हटा लें, ऐसा तो नहीं होता ना हकीकत की दुनिया में, ना वो इस तरह फौजें अपनी हटाएंगे, मुझे पता है वो फौजें नहीं हटाएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो उनको कॉस्ट उठानी पड़े वो फौजें रखने की वहां पे, जितना वो अपनी फौजों को ज्यादा फैलाएंगे उतना उनका जो है खर्चा होगा, उनका नुकसान होगा, उनको तकलीफ होगी, और उन पे हम जितने सैंक्शंस लगा सकते हैं तो मजबूर किया जाए रूसी निजाम को, रूसी पॉलिटिकल एलीट को, रूसी आवाम को, कि वो ये समझें कि ये उनके फायदे में नहीं है, ये जो रास्ता इख्तियार किया है ये उनके फायदे में नहीं है, और जो वहां पे आमराना निजाम के खिलाफ जो आवाजें हैं उनको मजीद तकवीत पहुंचाई जाए। क्या सदर पुतिन का तख्ता उलट जाएगा, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम अज कम वो प्रेशर बिल्ड किया जाए, और ये मैं समझता हूं कि अगर मुझसे ये कोई पूछे कि क्या ये मगर ऐसा मौका मिले मगरिब को और अमेरिका को तो वो क्या इसको हाथ से जाने देगा, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन किस हद तक ये मौका है ये डिबेटेबल है, अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, हमें नहीं पता कि वो जो है, हमें ये अस्यूम करने की जरूरत है कि सदर पुतिन वो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है जो आर्टिकल छपते हैं ना कि वो पागल हो गया है और इरेशनल हो गया, बड़े बड़े लोग ये बातें कर रहे हैं, अफसोस से कहना पड़ता है, वो हमें जो है हमारे जो हम जो वेस्ट में हैं, जो वेस्टर्न कैंप है हमारा, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं इस किस्म के जो आइडियाज हैं और इस किस्म के जो सो कॉल्ड एनालिसिस हैं, ये अस्यूम करना बड़ा जरूरी है कि आपका दुश्मन दुश्मन जरूर है, हम उसको पसंद नहीं करते, लेकिन उसको कम अकल समझना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, तो ये भी अभी देखना बाकी है कि क्या उसने अपने पत्ते अपनी जेब में रखे हुए हैं, स्लीव में रखे हुए हैं, और जो पत्ते वो जो क्लोजली अपने चेस्ट के साथ रखा हुआ है वो क्या है वो, और ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस का काम है, तो जितनी जल्दी वेस्टर्न इंटेलिजेंस इस चीज को समझेगी और इसको इस नॉलेज को हासिल करेगी तो द सूनर वी डू दैट द बेटर ऑफ वी ऑल विल बी। कारण साहब, एक और अहम मसला, वो आम जनता जो इस दुनिया में बसती है, करीब 8 बिलियन लोग, उनकी भी जो अवामी राय है उनका है, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनकी राय को बिल्कुल दुनिया के सामने पेश कर दिया है।
इस वक्त लगता है कि एक तरफ मुबसरीन ये कह रहे हैं कि ये जो यूक्रेन का क्राइसिस है ये वेस्टर्न वर्ल्ड को आपस में यूनाइट कर रहा है, जो उनके राइट लेफ्ट के बहुत ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे और जो इंटरनल इश्यूज थे उनको ये कम कर रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया में हमें एक रिएक्शन नज़र आ रहा है ईस्ट की तरफ से, खास तौर पर मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, भारत की हुकूमत है फॉर इंस्टेंस, एक बड़ा मुल्क है 1.4 बिलियन लोगों का, सेम इज़ द केस विद चाइना। मैं उनके जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, हैरत अंगेज हद तक जो वहाँ की आवाम है वो अमेरिका के खिलाफ है, कह रहे जी कि ये डबल स्टैंडर्ड्स का है, जब अमेरिका ने अटैक किए थे तो कोई मीडिया बात नहीं करता था। इसी तरह इस्लामी दुनिया अक्रॉस द बोर्ड जो जनता की राय है, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, जो जनता की राय है वो सिंपथेटिक टूवर्ड्स व्लादिमीर पुतिन है, जबकि व्लादिमीर पुतिन के अपने मुल्क में उनको इतना नहीं चाहा जाता जितना ईस्टर्न दुनिया में चाहा जा रहा है। इस तरह की सूरत हाल आपके भी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं भी वही देख रहा हूं, और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये वो मर्ज है जिसको हम कहते हैं थर्ड वर्ल्डिज्म, ठीक है, कि वो बस चूंकि वो एक एंटी अमेरिकनिज्म है, वो एक कई दहाइयों से, वो एक कभी कोई एक्टर इसको पुराने जमाने में लेफ्ट इसको बहुत उठाती थी, जब कोल्ड वॉर था उसमें जो है वो इलाहाक सोवियत यूनियन से था, नहीं भी था तो जो है चीन से था, और अगर उधर भी नहीं था तो अगर आप सिर्फ एक लोकल लेफ्टिस्ट थे तो आप वो एंटी कैपिटलिस्ट, एंटी जो है वो वेस्टर्न, एंटी कलोनियल, एंटी इंपीरियल जो माइंडसेट था वो आपको एंटी अमेरिकन बना देता था। अब वो सेंटिमेंट खत्म तो नहीं हुआ ना, उसने शक्ल बदली है, उसमें अब नए किरदार आ चुके हैं जो है इस्लामिस्ट पसंद, अगर मुस्लिम दुनिया की बात की जाए वो लोग भी शामिल हो चुके हैं। और फिर ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो समझ बूझ है जिसपे हम जो है आप और मैं और आप अक्सर गुफ्तगू करते हैं, समझ बूझ जो है वो उसमें बहुत ज्यादा जो है वो डिक्लाइन आया है कि हम रियलिटी को समझें, जज्बात से हम देखते हैं, अपने आइडियोलॉजी के लेंस से देखते हैं, हकीकत से नहीं देखते कि जमीनी हकायक क्या है। यहां तक कि अब जो है कुछ हलकों में जमीनी हकायक को भी जो है वो सार्केस्टिकली जो है कि निगाह से देखा जाता है, जो लोग जमीनी हकायक की बात करते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो ये मतलब जो है वो अपने दे डू दिस एट देयर ओन पेरल, उनका अपना नुकसान है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें मिलकर वो एक तासुर क्रिएट कर रही हैं कि ये जो है ये मगरब की कारस्तानी है और मगरब कसूरवार है और मगरब, और रियलिटी को हम नहीं देख रहे। मैं तो सिर्फ उन लोगों से ये सवाल करना चाहूंगा, उन बहन भाइयों से, वो चाहे जहां पे भी हैं, चीन में हैं, इंडिया में हैं, अफ्रीका में हैं, किसी और मुल्क में हैं, लातिनी अमरीका में हैं, जहां पे भी हैं, उन सब बहन भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा, क्या आप सदर पुतिन के जेरे साया रहना पसंद फरमाएंगे, उस निजाम हुकूमत में रहना पसंद फरमाएंगे? दुनिया में चॉइसेस नहीं है, ठीक है, एक अगर आपको मगरिब से चिढ़ है, मगरिब कोई मतलब वो दूध का धुला तो नहीं है ना, गलतियां उसने भी की हैं, गलत काम उनसे भी हुए हैं, इंसान है आखिर में, लेकिन हमें यह देखना है कि क्या आप एक ऐसे सिविलाइजेशन को तनकीद का निशाना बनाएंगे कि जिसने जो है वो ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत काम किया है, या आप एक ऐसे एक्टर्स को, ख्वाह वो चीन है या रूस है या ईरान है या कोई और है, उन एक्टर्स का साथ देना चाहेंगे कि जिन्होंने ह्यूमन डिग्निटी को बेसिकली शेमलेसली जो है उसको चीड़ फाड़ा है और कर रहे हैं? तो यह समझने की जरूरत है, गलतियां सबसे होती हैं, और फिर इससे ज्यादा जरूरी है कि जियोपॉलिटिक्स को समझा जाए। हम अपनी आइडियलिज्म की दुनिया जो है अच्छी है, ख्वाब होने चाहिए, मेरे भी हैं, सबके हैं, लेकिन ख्वाब ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो आपको हकीकत से अंधा कर दें, आप अपने ख्वाबों की दुनिया में जीना शुरू कर दें। हकीकत ये है कि यूक्रेन की बेशतर आबादी वो मगरिब से इलाक चाहती है, रूस से किसी किस्म का ताल्लुक, रूसी जो है जिसे कहते हैं हेजेमनी के अंडर रहना नहीं चाहती, उस आमराना निजाम को नहीं चाहती, फ्रीडम चाहती है, डिग्निटी चाहती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है, ऑलिगार्क्स नहीं चाहती, ठीक है। और उन्होंने वाजे तौर पे जब 2014 में जो मैदान रेवोल्यूशन हुआ था उसमें वाजे तौर पे ये कह दिया था कि हमें
वो हम मगरब के साथ इलाज चाहते हैं, हम मगरबी सिविलाइजेशन तहजीब का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वहां से शुरू हुई ना, ना नेटो ने कोई वहां पे जंग फौजी बिठाए, ना कोई जहाज जो ना तैनात किए, ना कोई बख्तरबंद गाड़ियां, ना कुछ। नेटो, ये तो प्रोपेगेंडा है रशियन के जी, ये तो नेटो में जाने वाला था। नेटो में जाने के लिए, जैसे मैंने आपके पिछले शो में भी कहा है कि नेटो में जाने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, अभी यूक्रेन उसको फुलफिल करने की सूरत हाल में नहीं है और ना ही होगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि वहां की आवाम नहीं चाहती। आप क्या करें, मगरब छोड़ दें? अच्छा भाई, और ठीक है, तुम तो हमारे साथ मिलना चाहते थे, तो लेकिन आप जाने और आपका काम जाने, नहीं। ये कहना, और ये जो मफरूजे जो है ना बड़े मशहूर हैं, हर हर बंदा इसको सुन रहा है बैठ के, हर तरफ ये बाजगश्त हो रही है कि जी मगरब ने इन लोगों को लेट डाउन किया है, इनको सेटअप किया स्लॉटर के लिए, बिल्कुल झूठ है। ये प्रोपेगेंडा रशियन है, सदर पुतिन की रेजिम चाहती है कि वो ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशन कामयाब हो, और जो लोग इन बातों को आगे फैला रहे हैं वो सदर पुतिन का, मैं अफसोस से कहना पड़ेगा, उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं। एंड दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि सदर पुतिन जो हैं वो अपने मुखालफीन के साथ क्या करते हैं वो सबको पता है। वो सिर्फ जहर नहीं देते, वो जो है न्यूक्लियर जहर देते हैं। इंसान ना जीने जो ना के लिए लायक रहता है, ना मरने के लायक रहता है। तो ऐसी रेजिम जो है को ट्रस्ट करना, ऐसी रेजिम को इवन इनएडवर्टेंटली जो है सपोर्ट करना, मैं समझता हूं कि बहुत ही गलत जो है एटीट्यूड है। और ये इस वजह से है कि हम हकीकत को नहीं देखते। इस वजह से नहीं है कि यार मैं मगरब को पसंद करता हूं। आप किसी को मत पसंद कीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि जमीन पे क्या हो रहा है। क्या वजह है कि वही लोग जो सबसे बड़ी आवाजें हैं तीसरी दुनिया के अंदर, चाहे ख्वा वो भारत में है, पाकिस्तान में है, अफ्रीका में है, चीन में है, वो अपने जो है वो मॉस्को के वीजे क्यों नहीं लेते? वहां पे जो है उनके वहां जाने के लिए बेताब क्यों नहीं है? वो मगरब में सेटल होने के लिए क्यों बेताब है? वो इसलिए बेताब है क्योंकि उनको पता है कि यहां पे जाएंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी इस निजाम के तहत। लेकिन वो कहते हैं ना, वी लव टू हेट द वेस्ट, तो वो वाला मामला जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त उसने जोर पकड़ा हुआ है। तो वो मैं तुमसे यही कहूंगा कि खुदारा जो है, आप नहीं किसी को पसंद करते, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन कम से कम तजिए के हद के वक्त जो है अपने क्लैरिटी तो रखें कि हो क्या रहा है। और जो मनफी एक्टर है जो जारियत कर रहा है बैठ के, क्या इराक में जो हुई थी जंग वो सही थी? मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि वो सही थी, ना मैंने कभी कहा है। हाँ हम मगरब का हिस्सा हैं, हाँ हम अमरीकी हैं, कनेडियन हैं, नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा गलत कदम था जो जो है अब कोई शख्स वॉशिंगटन में ये नहीं खड़ा होकर कह सकता कि हाँ भाई ये सही था। आपको कोई शख्स नहीं मिलेगा वॉशिंगटन के अंदर किसी भी लेवल के ऊपर जो कहेगा कि यार वो इराक जंग बहुत अच्छी थी। और ये आज से नहीं है, ये बड़े अरसे से है। और इसी तरीके से कौन कह सकता है कि अफगानिस्तान की जंग अच्छी थी? कम से कम इस मुआशरे के अंदर हमें तनकीद का तो हक है, हम ये खुल के एहतसाब तो कर सकते हैं कि सदर बुश ने जो किया, सदर ओबामा ने जो किया, ट्रंप ने जो किया, जो बाइडन अब कर रहा है वो गलत है। अब वो आया गलत है या सही है वो एक अलग बात है, कम से कम हमें तनकीद का हक तो है, खुलकर बात तो कर सकते हैं, खुलकर लिख सकते हैं, खुलकर जो है लोगों की जो अपना जो डिबेट है उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ताकि इस सारी पब्लिक डिबेट से जो है सबक सीखा जाए और दोबारा ये गलती दोहराई ना जाए। ये हो रहा है रूस के अंदर, ये तीसरी दुनिया में हो रहा है, ये चीन में हो रहा है। तो खुदारा जरा जो है वो होश में आइए, मेरी आपसे जो है ये एक इल्तजा है। जी कानन साहब, आखिर में दो एक बातें। इस वक्त जो फिनेंशियल सैंक्शंस लगना शुरू हुई हैं रूस पे, तो एकदम ही जैसे पैनिक आ गया, और नेचुरल होता है किसी भी मुआशरे पे इस तरह का हो मामला, और स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रहा है। लेकिन मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि ये जो सैंक्शंस हैं ये सिर्फ रूस के लिए ही खतरनाक नहीं है, इन द लॉन्ग रन ये अल्टीमेटली वर्ल्ड जो है फिनेंशियल क्रंच में भी ये बदल सकती हैं सैंक्शंस। इसके बारे में आपकी माहिराना राय क्या है?
जी देखिए, मैं कोई मतलब जियो इकोनॉमिक्स पे मेरी कोई गिरफ्त नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं अपने आप को कहता, लेकिन जो मेरी नाकस अकल मुझे बताती है वो यही है कि ये खदशात जो हैं वो अपना इनमें दम है, इनमें वजन है, लेकिन किसी को भी ये पूरी तरीके से पता नहीं है कि क्या होगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले रूस पे इतने बड़े नहीं हुए थे। या तो एक चीज होती है ना कि आपने कोई काम किया हो और फिर उसके आपको उसके नफा नुकसान का तजर्बा हो, ये कभी हुआ नहीं है पहले, अब ये पहली पहली बार हो रहा है, तो कोई भी ये नहीं जान सकता सही तरीके से। अभी हम उस प्रोसेस में हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस चीज से ग्रैपल कर रहे हैं, वो अपने जो है ना एक्सपर्टीज को की जोर लगा रहे हैं कि समझने के लिए कि हाँ भाई क्या होगा। तो ये बतदरीज हमें पता चलेगा कि इससे रूस का कितना नुकसान होगा और बाकी दुनिया का कितना नुकसान होगा। लेकिन यह बात पक्की है कि हम चूंकि एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत मतलब ग्लोबलाइजेशन तो हमेशा रही है, लेकिन अब जो 1990s के बाद की जो दुनिया है, जिसने टेक्नोलॉजी के थ्रू और भी ग्लोबलाइज कर दिया है, यानी इकोनॉमिक्स को और फाइनेंस को और भी जो है वो इंटरकनेक्टिविटी आ चुकी है, उससे तो यही पता चलता है ना कि आप जो है वो कोई वैक्यूम में एक मतलब दायरे के अंदर सैंक्शंस लगाएंगे तो उसका असर बाहर नहीं जाएगा, जाहिर होगा, और ये ना लगाएं तो भी चारा नहीं है, लगाएं तो उसके जो मुजिर असरात हैं, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको भी देखना जरूरी है। ये एक मूविंग टारगेट है, इसका मतलब कतन ये नहीं है। पॉलिसी देखें, एकेडेमिक्स को, इवन मेरे जैसे बंदे को, एनालिस्ट को, वो एक फ्रीडम है। मैं अपने दफ्तर में बैठ के, अपने मतलब मेज के ऊपर बैठ के, मैं जो हूं मैं मतलब थियोराइज कर सकता हूं, अपना तजिया दे सकता हूं, लेकिन जिसने ट्रिगर पुल करना होता है, डिसीजन मेकर जो होता है, उसके पास गुंजाइश नहीं होती, वो इंतजार नहीं कर सकता कि यार मुझे पहले बताओ ना, तू पक्का बताओ कि हाँ भाई जो है किसका क्या नुकसान होगा, तो लोग इर्द गिर्द कहेंगे कि ये तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करें? फिर जितना इंफॉर्मेशन होता है उसके ऊपर पॉलिसी बनती है ना, ये कुदरती अमल है। ये भी समझने की जरूरत है क्या कभी भी, ये वो कहते हैं ना हाइंडसाइट इज 2020, वो बाद में पता चलता है, और ये एक नेचुरल ह्यूमन कंडीशन है। हमेशा जब भी कोई फैसला, चाहे वो फर्द वाहिद करता है, ग्रो करता है, रियासत करती है, बहुत सारी रियासतें मिलकर करती हैं, वो उनके पास जो उस वक्त मालूमात होती हैं वो उसकी रोशनी में करती हैं। हाँ, उन पर ये फर्ज है कि वो अपनी अंथक कोशिश करें, कि वो हार्ड वर्क करें, कि पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें जितनी उनकी सलाहियत इजाजत देती है, कि वो सिचुएशन को जान लें। इसीलिए एनालिसिस बड़ा जरूरी है, इसीलिए ये आइडियोलॉजी, मैं क्या चाहता हूं, तू क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, ये सब चीजें पॉलिसी मेकिंग में नहीं होती। पॉलिसी मेकर्स जो है फ्री नहीं होते कि वो जो कुछ चाहें वो कर लें, वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कंस्ट्रेंड होते हैं, और उनको फैसला करना होता है, और फैसला बहुत जल्दी करना होता है, खास तौर पे जंगी सूरत हाल में। तो ये कुदरती अमल है, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। इसके अलावा एक रास्ता है कि आप अपने घर चले जाएं और रूस को कब्जा कर लेने दें, वो ही एक चॉइस है, और वो अनएक्सेप्टेबल है, मॉरली अनएक्सेप्टेबल है, पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल है, इकोनॉमिकली अनएक्सेप्टेबल है, किसी भी दुनिया का पैमाना उठा के देख लें, उससे वो अनएक्सेप्टेबल है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मीडिया पर भी और ख़ास तौर पर हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर भी ये बहस भी जन्म ले रही है कि आफ्टर ऑल इस जंग का फ्यूचर क्या होगा। लोग इसको इस तरह भी देखते हैं कि क्या व्लादिमीर पुतिन हिटलर की तरह गायब हो जाएंगे, मतलब इस तरह भी देखा जाता है, जो उनके ना चाहने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं वो कुछ इस तरह देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन दुनिया पे छा जाएंगे और किंग बन जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के जो सोच के अंदाज हैं वो तो आप और मैं समझ सकते हैं कि इतने मेच्योर नहीं हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको बतौर तजिया निगार ये मामला कहाँ तक जाता नजर आता है? जी, आपने बहुत अच्छी बात की, और इसमें आपके जो मुस्लिम व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझ सकेंगे जब मैं कहूंगा कि ज्यादातर लोग जो पुतिन के हमायती नजर आ रहे हैं या उनके
उसको फेवरेबली देख रहे हैं या उससे सिंपथी रख रहे हैं दुनिया में, वो उनको हुब्बे अली नहीं है, उनको बुग्ज़े मुआविया है। उनकी एंटी अमेरिकनिज्म, वो पुतिन से मोहब्बत नहीं करते ना ही पुतिन को चाहते हैं, लेकिन उनकी एंटी अमेरिकनिज्म, एंटी वेस्टर्निज्म, ये जो पोजीशन है ये उनको खींच रही है उस तरफ। जैसे उस जमाने में तारीख के अंदर, इस्लामी तारीख के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको वो इसलिए जो है वो अली रदी अल्लाह ताला अन्हों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि वो उनसे पूरी तरीके से मुत्तफिक थे, लेकिन चूंकि वो मुआविया के खिलाफ थे, दूसरे कैंप के खिलाफ थे, वो इस वजह से इधर थे। तो ये हमेशा हम तारीख में देखते हैं। अभी हाल ही में अमरीकी जो सदारती इंतखाबात हुए थे उसमें बहुत बड़ी तादाद वो लोग हैं कि जिन्होंने सदर बाइडन को वोट डाला, कि जो सदर बाइडन को पसंद नहीं करते थे लेकिन ट्रंप के मुखालफी थे। तो ये बड़ा जानना बड़ा जरूरी है कि ये लोग जो हैं, क्योंकि सवाल फिर वही आता है ना कि अगर आप इनसे पूछें, इन लोगों से, और ये जी शऊर लोग हैं, मैं किसी को भी जो है ये नहीं कहूंगा कि वो कोई कम अकल है, मतलब ऐसा मेरा बिल्कुल कोई असम्पशन नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे जहन परागंदा हैं, हम जो है कंडीशनिंग हमारी ऐसी हुई हुई है कि हम क्लियरली देख नहीं पा रहे। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर आप लोगों से पूछें कि भाई वो सवाल बदल दें, ये ना कहें कि सदर पुतिन गलत थे या बाइडन गलत था, ये पूछें आपको सदर पुतिन कैसे लगते हैं, मैं यकीन से कहूंगा कि वो आप वही लोग आपको वो बताएंगे जो उनकी, अगर पुतिन वर्सेस बाइडन डायनामिक में कोई राय मुख्तलिफ है तो उसके बरक्स राय होगी। वो उस वक्त पुतिन, बहुत कम लोग होंगे जो पुतिन को कहेंगे कि यार मैं बहुत उसको जो है अच्छा आदमी समझता हूं। तो ये इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, इनसे जो है आलमी बरादरी को, हर शख्स को दुनिया के अंदर अपने आप को बचाना है, अपने अंदर इतनी सलाहियत पैदा करनी है कि वो हर तरफ का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को समझ सके, क्योंकि ये दुनिया ही इंफॉर्मेशन अब ऑपरेशंस का खेल है। इस वक्त जो है तारीख में इस हद तक, जिसको पुराने जमाने में प्रोपेगेंडा कहा जाता था, फिर उसको किस कुछ अरसे कुछ दिहाई पहले तक कहा जाता था पब्लिक रिलेशंस, अब जो है फिर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी कहा गया, अब उसको इंफॉर्मेशन ऑपरेशन या इन्फो वॉर कहा जाता है। तो ये हर साइड करती है अपने अपने हिसाब से, और कोई ज्यादा करता है, कोई ज्यादा झूठ बोलता है, कोई कम झूठ बोलता है, और वो अपनी जो कमजोरियां हैं उससे जो है वो लोगों को उनकी जो तवज्जो हटाना चाहते हैं और दूसरे की कमजोरियों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। लेकिन एनालिसिस के लिए बड़ा जरूरी है कि इस ट्रैप में ना पड़ा जाए और देखा जाए कि जमीन पे क्या हो रहा है, और फिर आपको ये डिसाइड करना है, मॉरली डिसाइड करना है कि आप, क्योंकि यहाँ पे कोई जो है ना डेवल है और ना ही सेंट है, ठीक है, यहाँ पे ना कोई शैतान है ना कोई फरिश्ता है, यहाँ पे इंसान है, और इंसान कुछ इंसान जो है बहुत गलत होते हैं, कुछ इंसान जो है कम गलत होते हैं, और ये एक स्पेक्ट्रम है। तो आप, कोई ये नहीं कह रहा कि बस दूध का धुला, कोई ये नहीं कह रहा कि अमेरिका को अनकंडीशनली सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि सदर पुतिन जो है वो एक नेगेटिव सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अपने मॉरल कॉम्पस को दुरुस्त रखिए। मॉरली आपको जो है आपको दुरुस्त होने की जरूरत है, और आपको ये देखना है कि आप कहीं तारीख के गलत साइड पे तो नहीं है। आर यू ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री? आई लीव इट राइट देयर। बहुत आखिर में एक आध मिनट में सिर्फ ये बताइए कि अगले हफ्ते जब आपसे मेरी बात होगी तब तक आप क्या तवक्को करते हैं वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल के हवाले से? जी मैं अब तवक्को तो मुझे नहीं पता कि क्या होगी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, क्योंकि इसमें एक तो मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, फॉग ऑफ वॉर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कुछ मैं मतलब वॉच कर रहा हूँगा, मॉनिटर कर रहा हूँगा, वो ये है कि किस हद तक फौजी कार्रवाई होती है, किन इलाकों पे। इस वक्त जो है एक चीज जाते जाते मैं पहले भी जिक्र करना चाह रहा था, अच्छा किया आपने याद दिला दिया, कि एक चीज बड़ी वाजे हो गई है कि रूस जो है वो बैटल स्पेस पे एक एक उसका हदफ बड़ा क्लियर है, और वो ये है
कि जो दोनबास का मशरक में इलाका है उसके दरमियान और क्राइमिया के दरमियान का जितना इलाका है जो सी अब आजाद के शुमाल पे है, मतलब उसका बंदरगाह वो लगती है, और इधर नाइपर रिवर है दरमियान में, दूसरी तरफ दोनबास है, रूसी बॉर्डर है, नीचे क्राइमिया है और सी अवाज है, ठीक है, एजॉव है, सॉरी। तो वो उस इलाके को मैं समझता हूं कि वो परमानेंटली रूस हासिल करना चाहता है। क्या वो हासिल कर पाएगा ये मतलब कहना मुश्किल है, ये क्योंकि अभी बहुत इब्तदाई मरलों में है जब, लेकिन ये वो परमानेंटली हासिल, इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। क्राइमिया एक्सक्लेव है रूस का, अगर इन बाकी इलाकों पे कब्जा नहीं है तो क्राइमिया एक एक्सक्लेव है, उसको कंटिगुअस बनाना, कम से कम डोनबास के साथ उसका जमीनी रास्ते को जियोग्राफिकली कंटिगुअस बनाना, ये लॉजिकली भी सेंस बनाता है, मिलिटरीली भी सेंस बनाता है। और मैं समझता हूं कि अगर रूस को थोड़ी सी भी कामयाबी होती है बैटल स्पेस के ऊपर, तो जब बातचीत होगी वो इस इलाके को गिव अप नहीं करना चाहेगा, बाकी इलाकों को गिव अप कर देगा शुमाल के अंदर, यानी जो नाइपर रिवर, क्योंकि नाइपर रिवर भी सीधा नहीं है, वो जो है ऊपर से आता है फिर वो मगरिब की जानब स्विंग होता है, और जो है और वो जो इलाके हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये बहरहाल नाइपर रिवर की तरफ जो शुमाल सॉरी जनूब मशरकी इलाका जात है जो सी अब जो ना आजोव के ऊपर लगते हैं और जो क्राइमिया के साथ जुड़ते हैं और दोनबास तक जाते हैं, मैं समझता हूँ ये इलाका जो है रूस रिटेन करना चाहेगा कि अगर इस जंग से कुछ हासिल हुआ है तो ये हुआ है। हाँ वो बाकी बातें हैं कि हाँ भाई कितना क्या होगा क्या नहीं होगा, कीव का क्या बनेगा, मगरबी इलाका जात का, मजीद मशरकी इलाका जात जो मजीद शुमाल के अंदर है उनका क्या होगा, वो कुछ कहना बहुत, वो मैं समझता हूँ कि वो जरा उनकी गिरफ्त से बाहर हैं, ये कम अज कम हो सकता है कि उनको मजीद पेशरफ्त हो जाए, मेरे तखमीने गलत निकले, लेकिन मैं ये अच्छी खासी कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ये जो इलाके हैं इससे मैं नहीं समझता कि वो गिव अप करेंगे रूसी। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपसे बातचीत होगी अगले हफ्ते, तब तक सूरत हाल क्या करवटें बदलती है वो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूर्स, बातचीत सुन रहे थे जनाब कामरान बुखारी साहब की। इस वक्त की जो सूरत हाल है रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद की, उस पर वो तजिया कर रहे थे। आप टैग टीवी को देखते रहिए, स्पॉन्सर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज का बिला तकल्लुफ तजिया मेरे साथ और कामरान बुखारी साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।